बहस करते हैं आप, बहस से आप उलझ जाएंगे, आपको परेशानी होगी। बहस तो मियां बीवी की हो जाए ना तो तलखी बड़ी हो जाती है, हालांकि बड़ा करीबी रिश्ता है कि नहीं। बहस हो जाए तो तलखी हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं। तो अब घर के अंदर बहस हो जाए तो काम नहीं देती, तो बाहर कैसे काम देगी। जो हालात से कभी बहस, और अपने स्टेटस को मलूजे खातर रखें। जब आप छोटे आदमी पर बरस रहे होते हैं, और मैं अक्सर कहता हूं कि मियां बीबी की लड़ाई में हमेशा कसूर मियां साहब का होता है। हो गए ना नाराज तुसी, मन पता थी तुसा हो जाना है, फिर तुसी इस गल तो भी परेशान हो कि उतो वीडियो भी बन दी और कितने कितने जानी है। तो हजरत साहब ने इतना बड़ा फतवा दे दिया। ये मैं इसलिए बात करता हूँ, अक्सर करता हूँ कि मियाँ बीबी की लड़ाई में गलती मियाँ साहब की इसलिए होती है कि उस बेचारी की तो अकल तो आधी है, तो तेरी तो पूरी है ना। तो तू बड़ा पागल है जो बहस किए जा रहा है तू मेहरबानी कर, तू थोड़ा ठहर जा। इसलिए कि वो बेचारी, वो आप कई बातें सारी रात समझाए, पर सवेरे आप उठे तो जहां वो खड़ी थी वो सवेरे वही खड़ी होती है। क्यों? मेरी बात को समझो। अल्लाह ताला ने किसी औरत को नबुव्वत दी, औरतों की बड़ी शान है, जन्नती जब औरतों की सरदार है सैयदा फातिमा। उम्मत ने दीन सीखा है सैयदा आयशा सिद्दीका से। इनकी अजमत का इनकार, नबी को पैदा तो औरत ही करती है ना, लेकिन अल्लाह ने औरत को नबुव्वत नहीं दी। औरत बैत नहीं करती, मनसब इमामत नहीं औरत का। क्यों नहीं? इसलिए कि उस बेचारी का शौर जितना है उसके मुताबिक उससे काम लिया जाए। आप बहस करते, कभी भी बहस न करें। अल्लाह के बंदों ने तो बड़े बड़े लोग जो बहस करने आए ना, उनसे भी बहस नहीं की। मैं रब करीम के बंदों की शान बता रहा हूं। उन्होंने बहस, हजरत फखर जहां देलवी रहमतुल्लाह, सूफिया में बहुत बड़ा नाम है। ये जितना सिलसिला है ना चिश्त का, ये सारा ऊपर जाके हजरत मौलाना फखर जहां देलवी का मुरीद बनता है। हजरत फखर जहां देलवी जामा मस्जिद दिल्ली के खतीब थे, और हजारों लाखों लोग जुमा पढ़ने आते थे। और आपको अल्लाह ने यह एहसास दिया था कि जो आपके सामने खड़ा होता था उसे बताना नहीं पड़ता था मेरे दिल में क्या है। बंदा सामने खड़ा होता था, हजरत हाथ उठा देते, या अल्लाह बे औलाद है, दुआ कराने आया, इसे औलाद की दौलत अता फरमा। कोई आया है सामने खड़ा हुआ है तो या अल्लाह ये बेरोजगार है, इसे रोज। और इस पर हदीस दलील है, इत्तकु फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यनज़ुरु बिनूरिल्लाह। हुक्म अकाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिर्मिजी में हुजूर ने फरमाया कि मोमिन की फिरासत कल्बी से डर जाओ, वो अल्लाह के दिए हुए नूर से देखा करता है। तो अब उनका रश आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होने लगा, दुनिया ज्यादा अकीदतमंद होने लगी, ये लोगों को गवारा नहीं होता। फिर कोई ना कोई कहानी बनाते हैं, और हमारे दौर में कोई ना कोई क्लिप काटते हैं आगे पीछे से उतार के, फिर वो कोई ना कोई जो है ना वो प्रोपेगंडा करते, मिजाज बन जाता है। तो हजरत फखर जहां देलवी का जब उरूज होने लगा तो बादशाह फिक्रमंद हो गया। उसने कहा कि अगर ये पीर इसी तरह उरूज पे चला गया तो मेरा तख्त उलट देगा, क्या करें। एक तवायफ को बुलाया, एक साजिश रची, उस तवायफ को कहा इस तरह करके अदाकारी करनी है, उसे पैसे दिए, वो मान गई। हजरत जुमा पढ़ के सीढ़ियां उतर रहे थे, इधर दाएं बाएं आगे पीछे मुरीदों का रश था, हजरत नीचे उतर रहे थे, तो वो खातून ना बड़ी बन संवर के सामने आके खड़ी हुई। और चूंकि अदाकार बड़े तेज होते हैं, फनकार तो कोई भी हो ना, किसी स्टेज पे भी हो फनकार, तो फन का मुजाहरा करने से बाज आता। ये मैंने देखे हैं बड़े बड़े फनकार और बड़े बड़े स्टेजों पे, असल में फनकार होते। तो फनकार औरत थी, उसको बड़ा तरीका आता था। वो आई तो गुफ्तगू यूं शुरू की कि जैसे बड़ी जानने वाली हो, पुरानी तबीयत कैसी है, वो कमर में दर्द थी उसका क्या अब हाल है, लोग बड़े परेशान हैं कि हजरत को बड़ा जानती है तवायफ। फिर उसने बड़ी अजीब बात की, कहने लगी नाराज ना होइएगा, बाजार गई थी तो आप रात को आए थे ना जब मेरे घर, माज़ अल्लाह, तो ये खोटे सिक्के दे गए आप गलती से, तो वो दुकानदार ने लिए नहीं, तो मेहरबानी करें ये सिक्के रख लें। सारे मुरीद पक्के नहीं होते, कुछ कच्चे पक्के भी होते हैं, सही कह रहा हूं। वो जो कच्चे पक्के थे ना, कच्चे पक्के, वो परेशान हो गए कि हमने वैसे कभी पूछा नहीं कि बाबा रात को कहाँ होता है, हम तो घर छोड़ के आते हैं, तो ये कभी पता नहीं किया ये रात को कहाँ होते हैं। कच्चे पक्के पिल पिले जो थे वो कभी दाएं निकल जाएं कभी बाएं निकल जाएं, सोचे उनकी बिखरने लगी। लेकिन रब का बंदा तो पक्का होता है, वो तो कच्चा नहीं ना होता, उसे पता होता है कि वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मोमिनीन।
इज्जत अल्लाह के पास, रसूलुल्लाह के पास और रब रसूल को मानने वालों के पास। फरमाने लगे हज़रत फखर जहां देलवी, जब बीबी ने बात पूरी कर ली तो आपने ना जेब में हाथ डाला और असली सिक्के निकाले और तीन दफा फरमाया, बेटी ओ मेरी बेटी, ओ प्यारी बेटी, तू दे जा नकली सिक्के असली ले जा, और पुत्र ड्रामा करने की जरूरत कोई नहीं, जब भी जरूरत पड़े ना तो आ जाना, असली सिक्के मिल जाएंगे और फखर जहां का दरवाजा भी तुझे खुला हुआ ही मिलेगा। कोई वजाहत नहीं, ज्यादा वजाहतें ना दिया करो, ज्यादा वजाहतें देने वाले को लोग झूठा समझ लेते हैं, ज्यादा वजाहतें नहीं देनी चाहिए। हजरत ने कोई लंबी वजाहत नहीं, उतरे स्टेज से वो सीढ़ियों से, जब नीचे गए तो बीबी को कह गए, बेटी बेटी बेटी, उस पर सख्ता तारी हो गई, बोलने के काबल ना रही। जब हजरत सीढ़ियां उतर गए तो दौड़ के आई, कदमों में गिरी और इस तरह चीखे मार के रोई के लोग परेशान हो गए, कहने लगी, ओ बाबा, किस मिट्टी और किस संदल और किस कस्तूरी का तू बना हुआ है, मैं तो वो बीबी हूं कि कभी दिल्ली में किसी ने ना बहन समझा ना बेटी समझा ना किसी ने मुझे एहतराम दिया, मैं तुझे बदनाम करने आई थी और मुझे कीचड़ में लिथड़ी हुई कोई तूने बेटी बना लिया है। ये लफ्ज कह के उसने नकाब चेहरे पे डाला और कहने लगी, अब मैं दिल्ली वालों को बताऊंगी फखर जहां की बेटी किस तरह की होती है, आज के बाद मेरा कोठा समझ के ना आना, मैं उसे मस्जिद बनाऊंगी, कयामत तक मोहम्मद अरबी के नाम की अजाने पड़ी जाएंगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ भाई, अल्लाह के बंदे बहस नहीं करते, उलझाओ पैदा नहीं करते, आप यकीन करें। और एक बात अच्छी तरह समझ लें, रब के बंदों को यह भी बताने की जरूरत नहीं होती कि मेरा अकीदा किस तरह का है, कुछ चेहरे ही बता देते हैं कि अकीदा कच्चा है कि पक्का है, कुछ चेहरे ही बताते हैं। मेहरबानी फरमाएं, ये उलझाओ से निकले, अपनी जिंदगी आजी वाली, अपने काम से काम रखने वाली और अपनी मसरूफियात में ढेर सारा दुरूद पाक शामिल करें, तिलावत शामिल करें, थोड़ा कम करें बहसों में, मीडिया में इन चीजों में उलझना, अपना मुसल्ला बात करें, अपनी रूहानी जरूरियात को पूरा करें, अपने वजायफ पर तवज्जो करें। मेरे पास कुछ संगी आते हैं, कई दफा कहते हैं मुरीद फलानी जगह पे हैं, तालब कर ले, तो मैं कहता हूं पीर साहब ने शजरा दिया पढ़ते हो, उनके दिए वजीफे पढ़ते हो, कहता जी बस दुआ करें, तो मैं कहता हूं जब एक की दी हुई तालीमात नहीं पढ़ी जा रही तो तीन तीन की कैसे पढ़ोगे, तो आप एक की तो पढ़ो, कुछ करो तो सही, करते ही नहीं। बहुत सारे लोगों को शिकवा है कि मुझे जी फलाने जगह से मिला कुछ नहीं, और मैंने कहा लेने के लिए भी तो बर्तन सीधा होना चाहिए, अगर तेरा बर्तन ही उल्टा है तो उसमें खाक गिरेगी कोई चीज, बर्तन तो सीधा कर। रब करीम के बंदों ने जिंदगी में कोई उलझाओ पैदा, उलझाओ नहीं बनाते, मिजाज नहीं।